तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और इसके प्यारे हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की लुत्फ व इनायत है कि आज हुजूर से जदीद शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह मुहिब रसूलुल्लाह इमाम मुहम्मद अनवारुल्लाह खान बहादुर फजीलत जग अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की याद में हमें यहां पर जमा होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ और महबूब नगर वालों पर हुजूर शेखुल इस्लाम का खुसूसी फैजान है, खुसूसी निगाह करम है, क्योंकि मैं पूरा हिंदुस्तान फिरता रहता हूं तो मैंने देखा है जो मोहब्बत यहाँ की आवाम के दिल में है जामे निजामिया के लिए, शेखुल इस्लाम के लिए, वो काबिले जिक्र है, काबिले फख्र है। सुभान अल्लाह। क्योंकि नाम भी आप हजरात का ऐसा है महबूब नगर, तो महबूब नगर में लाजमी बात है महबूब ही रहते हैं। अब ये अलग बात है कि महबूब नगर वालों का मुहिब एक अनवारुल्लाह की शक्ल में रहता है, तो एक मुहिब गौसे आजम की शक्ल में रहता है, तो एक मुहिब मदीने वाले मुस्तफा की सूरत में रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब नगर वालों को महबूब बना दिया है और इन महबूबों का मुहिब जो है वो अल्लाह भी है, अल्लाह का रसूल भी है और अल्लाह का महबूब अनवार। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों कुर्बान जाए, देखिए बानी जामे निजामिया को अगर समझना हो तो इंतखाबे मुस्तफा को समझना होगा, नबी के फैसले को समझना होगा। बानी जामे निजामिया हर किसी को समझ में नहीं आती, जिसको नबी का फैसला समझ में आता है उसको अनवारुल्लाह समझ में आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके दो हस्तियों को हिंदुस्तान की तरफ भेजा। कितनी हस्तियों को? से बोलो। एक हस्ती का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज है, दूसरी हस्ती का नाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी। एक बेटे को भेजा तो सारे कुफरिस्तान में 90 लाख को कलवा पढ़वा लिया और दूसरे आशिक को भेजा तो सारे जिहालत के बाजार में इल्म का चमन फैला। इखलास तो देखो, आज कई तहरीकें चल रही, कई मदरसे चल रहे, कई मस्जिदें चल रही, कई खानखाने चल रही, मगर उसको चलाने वाले बड़े टेंशन में रहते। इब्राहिम भाई से सदर इनको मालूम है, यानी एक मस्जिद चलाना है तो जुमे के दिन सदर साहब को खड़े के ऐलान करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? एक मदरसा चलाना तो हमारे चांद पाशा को पूछो कितने पीला डालना था, इतना डालते हो मेरे को तंग कर देते हो मेरे। तो आप अंदाजा करिए एक मदरसा चलाना एक मस्जिद चलाना कितनी बड़ी टारगेट की बात है, मगर मेरे अनवार का मदरसा 150 साल से चल रहा है, मगर आज तक आपको रसीद लेके कोई मौलाना नहीं मिला होगा।
पॉइंट टू बी नोटेड, आज तक आपको रसीद लेकर कोई मौलवी साहब नहीं मिले, आज तक आपको रसीद लेकर कोई चंदा जमा करने वाला नहीं मिला। जब हम पढ़ा करते थे तो हम अपने असातिज़ा से सुना करते थे, निजामिया को मांगने की जरूरत नहीं है, निजामिया को देने वालों का मुस्तफा खुद इंतखाब फरमाया।